गाइस क्या आपको सोराइसिस या सोराटिक आर्थराइटिस की समस्या है और आप प्राकृतिक तरीके से इसका उपचार करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपने डेली रूटीन में योगा जैसे प्राचीन अभ्यास को शामिल कर लेने से जीवन के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है और तकलीफ़ों को कम किया जा सकता है मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और आज की इस वीडियो को मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि कई बार हमसे पेशेंट यूट्यूब कमेंट सेक्शन में और ओ में पूछते हैं कि यदि हमें सोराइसिस है तो क्या हमें योगा करना चाहिए योगा करने से क्या हमें फ़ायदा हो सकता है अपने सोराइसिस के पैचेस में और सोराइटिक आर्थराइटिस के सिम्टम्स में तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप प्लीज अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन जरूर पूछें हम अपनी हर वीडियो में पिछले वीडियोस में पूछे गए क्वेश्चन उठाते हैं और उन्हें आंसर करते हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया चैनल पर हम हर आए दिन सोराइसिस से रिलेटेड डॉक्टर वेरीफाइड और मेडिकली साउंड इन्फॉर्मेशन लॉन्च करते रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या सोराइसिस और योगा में कोई लिंक है कि नहीं तो इस चीज का आंसर देने के लिए मैं स्क्रीन पे एक स्टडी को शो करना चाहूंगा ये स्टडी 2018 में एनएचएस यूके में हुई थी इस स्टडी में उन्होंने 10 पार्टिसिपेंट्स को लिया जिनको सोराटिक आर्थराइटिस था सिर्फ सोरासिस नहीं सोराटिक आर्थराइटिस उनको हो चुका था दस ऐसे पेशेंट उन्होंने लिए साथ में एक योगा टीचर योगा थेरेपिस्ट लिया और 16 वीक्स यानी कि चार महीने तक इनको योगा थेरेपी दी गई एक क्लिनिकल सेटिंग में और उसके इम्पैक्ट को ऑब्जर्व किया इन्होंने ऑब्जर्व किया कि चार महीने के रेगुलर योगा थेरेपी सेशंस के बाद जो पेशेंट्स थे उनका 25 परसेंट एंगजाइटी कम हुई 40 परसेंट उनका डिप्रेशन कम हो गया और पच्चीस परसेंट उनका पेन कम हो गया सो ट्वेंटी रिडक्शन इन पेन फोर्टी रिडक्शन इन डिप्रेशन एंड अनदर ट्वेंटी रिडक्शन इन एंग्जाइटी तो ये तो था कि एन में यूके में इन्होंने क्लिनिकली प्रूव कर दिया कि योगा थेरेपिस्ट के साथ अगर हम क्लिनिकल सेटिंग में काम करें सोरेटिक आर्थरेटिस्ट आर्थ आर्थ पेशेंट्स को डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर्स में जो है हमें चार महीनों में ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं शामिल किया गया सिर्फ और सिर्फ योगा थेरेपी की ही बात कर रहा हूँ मैं अगर हम ट्रीटमेंट ऐड करते हैं तो ऑफकोर्स ये चार महीने के रिजल्ट हम और जल्दी भी पा सकते हैं इसमें राइट अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो ये है कि आखिर योगा के ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं आर्थराइटिस में में या में? तो मैं बुलेट पॉइंट्स में अगर आपसे स्पीड से बात करूँ तो नंबर वन पेन रिलीफ में हेल्प करता है स्पेशली आपकी नेक और बैक रीजन में पेन में रिलीफ पाया गया है योगा करने से पेन रिलीफ के साथ साथ जो पेन का टॉलरेंस है हमारी बॉडी में वो भी योगा करने से मेडिटेशन करने से डेली बेसिस पर जो पेन का टॉलरेंस है क्योंकि सोराटिक आर्थराइटिस जब एक पेशेंट को हो जाता है तो उनके स्मॉल जॉइंट्स में उंगलियों में सुबह उठ के आधा घंटा पौना घंटा मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है जकड़न रहती है तो वो जो पेन टॉलरेंस है वो बढ़ जाती है नंबर थ्री मसल्स की जो स्ट्रेंथ है योगा करने से वो बढ़ जाती है तो हमारे जॉइंट्स के आसपास के जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो वो जॉइंट का काम क्या होता है जॉइंट का, का काम होता है लोड बेरिंग तो जब हमारे आसपास के मसल्स स्ट्रोंग होते हैं तो वो जॉइंट के ऊपर से लोड बेरिंग की क्षमता को थोड़ी सी कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं उसको ले लेते हैं तो हमारे जॉइंट्स पे हमारे जोड़ों पे कम फोर्स आती है तो योगा करने से हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स हैं उस पर कम प्रभाव पड़ता है कम बोझ आता है राइट सो मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो योगा करने से हमें पता है कि बॉडी में जो ऑक्सीजन का फ्लो है हमारे खून में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और तो और हमारे रेड ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है यानी कि जो हमारा आर है हमारे खून में वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाता है तो हमें मालूम है कि सोरास एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें कि हार्मफुल टॉक्सिन को हमें ब्लड से क्लियर करना है और जो हेल्पफुल टॉक्सेंस हैं जो हेल्पफुल प्रोटीन्स हैं उनको हमें लेके आना है सोराइसिस uh, वाले साइड तक राइट right? तो जब हम योगा करते हैं हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है हमारे टॉक्सेंस की जो क्लियरिंग आउट की स्पीड है वो बेटर हो जाती है तो ये तो थे कुछ बेनिफिट्स जो हमने बताए टू सम अप इम्प्रूविंग द मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूविंग द बैलेंस इंक्रीजिंग द पेन टॉलरेंस इंक्रीजिंग द पेन थ्रेश होल्ड इंप्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो योगा करने से हमारे बॉडी में हेल्प करती हैं इनफैक्ट स्ट्रेस रिलीविंग का भी एक्ट करता है योगा योगा करने से हमें पता है मेडिटेशन करने से डेली क्लिनिकली भी ये चीज़ प्रूव हुई है कि 15 से 20 मिनट योगा करना 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करने से हमारी बॉडी में स्ट्रेस कम होता है हम सबको ये पता है कि स्ट्रेस इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीवेटिंग फैक्टर फॉर सोराइसिस स्ट्रेस लेने से सोराइसिस बढ़ता है और सोराइसिस जब बढ़ता है तो पेशेंट को और स्ट्रेस होता है तो एक साइकिल बन जाती है और इसी साइकिल को हमें तोड़ना है तो योगा यहाँ पर हमारे पूरी हेल्प करता है काज ये थी आज की वीडियो जहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि आखिर सोराइसिस और योगा के बीच में क्या लिंक है और कैसे योगा हेल्प करता है यदि हमें स्वासिल है तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो यदि हाँ तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ डोंट फोगेट टू आस्क मी अ क्वेश्चन जो अगली वीडियो में मैं उठाऊंगा थैंक यू Thank mm -hmm. you.